बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात नाम की उर्दू के सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े के मुसनफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ़ पढ़ेंगे। तारुफ़ को ज़हनी खाका की मदद से पेश किया जा रहा है ताकि तमाम मालूमात आप आसानी समझ सकें और ज़हन नशीन कर सकें। तो आइए ज़हनी खाका की मदद से हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलवी बाकर अली था, जो मशहूर आलम दीन होने के साथ साथ उर्दू के पहले अखबार नवीस भी हैं। 1857 के हंगामे में अंग्रेज़ों ने मौलवी मोहम्मद बाकर को फांसी दे दी तो आज़ाद ने दिल्ली छोड़ी। तलाश मार्च के सिलसिले में उन्होंने कुछ अरसा लखनऊ और हैदराबाद में गुजारा। 1864 में लाहौर आए और यहाँ महकमा तालीम में 15 रुपये माहवार पर उर्दू और फारसी की दरसी को तब लिखने पर मामूर हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फारसी और अरबी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। 1887 में आपको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 1888 में बेटी की मौत के सदमे से दो चार हुए और दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। आखिरकार इसी हालत में जनवरी 1910 को लाहौर में वफात पाई।